पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडगत में हरीश रावत की राजनीतिक यात्रा के साथ उत्तराखंड के तमाम पहलुओं को छुआ गया है। रावत ने इस किताब पर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखित पुस्तक मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडगत को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। हरीश रावत की इस किताब में उनकी अब तक की राजनीतिक यात्रा का सिलसिलेवार उल्लेख के साथ ही उत्तराखंडियत के तमाम पहलुओं को छुआ गया है। हरीश रावत ने विश्वविख्यात लेखक पद्मश्री पद्मभूषण रस्किन बॉन्ड के घर जाकर उनको अपनी किताब भेंट की और उनसे भी आग्रह किया कि वो किताब को पढ़कर उनको प्रदेश के विकास के सुझाव दें। हरीश रावत ने लोगों से भी किताब को पढ़कर अपने विचार और सुझाव देने की अपील की है। इस मौके पर मशहूर लेखक गणेश शैली, लेखक सतीश एकांत, जयप्रकाश ने पुस्तक की जमकर सराहना की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो पूरे उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्रों में जाकर अपनी किताब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को उत्तराखंडियत के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अगर उत्तराखंडियत के चारों तरफ देखा जाए तो अपने विकास की यात्रा का रोडमैप तैयार होने लगेगा, नहीं तो प्रदेश में समस्या ही समस्या का अंबार लग जाएगा और छोटे राज्य बनाने का अर्थ ही विफल हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि यदि हम उत्तराखंडियत के चारों तरफ अपने विकास का, अपनी आगे की यात्रा का मॉडल खड़ा नहीं करेंगे तो हम एक स्टीरियोटाइप स्टेट के रूप में, ऐसे स्टेट के रूप में रह जाएंगे जिस स्टेट के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी। तो फिर छोटे राज्य बनाने का जो अर्थ था कि हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जा सके और वो विकास का भागीदार बन सके, वो कल्पना सार्थक नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं उत्तराखंडियत क्या है और इसका जो प्रथम चरण में मैंने क्या कहा है, द्वितीय चरण के लिए हमारी सोच क्या है, आगे के लिए उत्तराखंड के विकास की हमारी कल्पना क्या क्या मॉडल है, वो सब बातें मैं लोगों के सामने रखता हूँ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।